एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। सो गाइस, आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का इवोल्यूशन, जिसके लिए स्टूडेंट्स काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। बट ड्यू टू वेरी हेक्टिक शेड्यूल मैं आप लोगों का शेड्यूल नहीं कर पा रही थी कि आपका 12 स्टार्ट करें, बिकॉज मैंने आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। आई थॉट कि स्टूडेंट्स 12th में अभी है मैक्सिमम स्टूडेंट, तो 12th तो आप ना बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर में कर ही लेंगे फिनिश, तो आपके लिए सफिशियंट है कि आप 11th पे अभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फोकस बनाते रहे, ताकि आपका 11th एंड 12th दोनों एक कंपैरेटिव मैनर में चलता रहे। बट इवोल्यूशन चैप्टर मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है ना कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, इवोल्यूशन चैप्टर इज जस्ट अ स्टोरी। आप देखते ना, जैसे कोई मूवी अगर आप देखते हो तो मूवी को आप कितने ध्यान से सुनते हो। मूवी में आप कुछ भी चीजें देख रहे हो तो आपको वो लाइन टू लाइन एक एक सीन्स हर चीज याद हो जाती है, होती है नहीं होती है, ऐसे ही जस्ट एग्जैक्ट हमारा इवोल्यूशन चैप्टर है। जितनी क्यूरियोसिटी के साथ आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई स्टोरी अगर आप सुन रहे हो, अगर सेम क्यूरियोसिटी आप इवोल्यूशन चैप्टर में जनरेट करोगे ना, तो सीरियसली आपको इवोल्यूशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप इसको भूलोगे भी नहीं कभी भी। आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना, आपका खुद से मन करेगा कि हमें सेकेंड टॉपिक भी पढ़ना है। अब देखो, इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी चीज को याद नहीं करना है, इसको बस एक स्टोरी के वे में समझते जाना है कि आखिरकार हम लोग। अच्छा देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है पहले मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। अभी हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स और वी कैन से होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो अब ये क्वेश्चन ये अराइज है कि आखिरकार ये होमो सैपियंस मीन्स जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डेवलप कैसे हुए हैं। हमने सुना था कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो चिंपैंजी थे, सुना ना सब लोगों ने, चिंपैंजी या फिर एप्स, ये सब हमारे एंसेस्टर्स थे। तो आखिरकार चिंपैंजी, अगर आप कंपेयर करो एक चिंपैंजी को और एक ह्यूमन का लुक, तो दोनों के लुक में बहुत डिफरेंस है ना। चिंपैंजी बिल्कुल अलग दिखता है, होमो सैपियंस बिल्कुल अलग दिखता है। तो वो आखिरकार वो डिफरेंस जनरेट कैसे हुआ, कैसे चिंपैंजी होमो सैपियंस के अंदर कन्वर्ट हुए। और इससे भी पहला क्वेश्चन आता है, चिंपैंजी कहाँ से आए, अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के ऊपर चिंपैंजी आए तो हमारे माइंड में ये भी आ सकता है कि मैम अर्थ कैसे बनी हमारी, जी अर्थ है ये डेवलप कैसी हुई है। क्या एक ऐसा टाइम भी होगा हमारी अर्थ के ऊपर कि जब कुछ भी नहीं होगा अर्थ के ऊपर, ना प्लांट्स है, ना एनिमल्स है, ना ही वाटर है, ना ही माउंटेन्स, कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन लैंड के जैसे भी पॉसिबल है। अब आप सोच सकते हो प्लेन लैंड कैसे बना है, अर्थ क्या है, प्लेनेट है नहीं है। तो अब हम ये भी सोच सकते हैं कि चलो अर्थ के ऊपर लाइफ आने की बात तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले तो हमें पता चलना चाहिए ना अर्थ बनी कैसे है, कैसे हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के माइंड में आते होंगे कि कैसे हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, कैसे आखिरकार ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं। आते नहीं आते आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन, ऑब्वियसली आता होगा। तो इसी चीज को, बच्चों की इसी क्यूरियोसिटी को, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए इवोल्यूशन चैप्टर बनाया गया। अब इवोल्यूशन चैप्टर, अब आप सोचोगे मैम ये वाला चैप्टर तो ना अभी वाले जो साइंटिस्ट होंगे, चलो हमने मान लिया 200 साल पहले, 200 ईयर पहले जो साइंटिस्ट होंगे उन्होंने इवोल्यूशन दिया होगा, लेकिन क्या वो उस टाइम पे थे, वो लोग तो नहीं थे ना उस टाइम पे। इवन जब हमारा अर्थ भी नहीं बना है तो ह्यूमंस का होना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा कि अर्थ कैसे बनी, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा सन, अर्थ और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब बने कहाँ से हैं। क्या उस टाइम पे कोई इंसान था, नहीं था ना उस टाइम पे। तो बेटा ये सारी ना एक इमेजिनेशन है, अपने माइंड से चीज निकाल दो कि ये सब पर्टिकुलर थ्योरी, क्योंकि उस टाइम पे कोई था ही नहीं। अब जब तक किसी चीजों को हम अपनी आईज से नहीं देख लेते, हमें ट्रस्ट नहीं होता ना उस चीज के ऊपर। अगर आपको कोई आके बोल दे कि मैंने ना अभी ना क्या देखा, लास्ट नाइट भूत देखा, आप क्या बोलोगे उसको। कोई आपको आके बोल रहा है मैंने भूत देखा, आपको ये बोलोगे ना कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि उसको इमेजिनेशन हो, या फिर उसने कोई हॉरर मूवी देख लियो तो हॉरर मूवी उसने देख लिया तो उसको ऐसी इमेज उसके सामने दिखाई दे रही थी। आप नहीं यकीन करोगे, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे आपके माइंड में वो चीज स्टक हो जाएगी, होगी या नहीं होगी स्टिक, क्या उसने बोला था भूत होता है। अब आप नेक्स्ट डे क्या गए, एक अलग से सुनसान जगह पे चले गए, सुनसान जगह पे आप गए, अचानक से आपने देखा कि कुछ आवाजें आ रही है, तो आपके माइंड में उस इंसान की बात आएगी कि उसने बोला था भूत था, देखा उसने, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे भूत हो सकता है,
बट यू आर नॉट कम्प्लीटली श्योर, आप उस चीज को लेके श्योर नहीं हो कि वहां पे भूत होगा ही होगा, आपने सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर दिया। जैसे उस वाले जो आपका पहला फ्रेंड था, उसने बोला था कि उसने भूत को देखा, वो भी तो उसकी प्रेडिक्शन होगी नहीं होगी, क्या उसने रियल में भूत को देख लिया? सब कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ प्रेडिक्शन उसकी थी। अब उसकी प्रेडिक्शन उसने आपके साथ शेयर की, फिर आपने उस चीज को थोड़ा सा इमेजिन कर लिया, इमेजिन करके फिर आप भी श्योर हाँ भूत होता है, फिर आपने किसी दूसरे इंसान को बताया, ऐसे ही ये पूरा का पूरा थ्योरीज बन गई कि हाँ भूत हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जिसके सामने प्रेडिक्शन आ गई उसने बोल दिया कि हाँ भूत होते हैं, जिसके सामने नहीं है वो बोलता है कि यार आप लोगों की इमेजिनेशन है ये, है नहीं। तो इवोल्यूशन चैप्टर इमेजिनरी चैप्टर है, क्योंकि उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था। जब हमारा अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, हमारा पूरा यूनिवर्स बना, हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना, लेकिन उसके बाद जब उस सोलर सिस्टम पे, सोलर सिस्टम के पूरे प्लैनेट के ऊपर अर्थ, लाइक पूरा प्लैनेट बना मतलब आपका अर्थ बना, अर्थ के ऊपर जो आप, कोई आपको बोले कि पहले टाइम में सबने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स होते थे, है ना। लेकिन अब कोई अगर ये बोलने लग जाए कि डायनासोर नहीं होते, ये तो आपकी इमेजिनेशन है, आप क्या बोलोगे यार डायनासोर थे उस टाइम पे, हमें हमारे पास फॉसिल्स है, हमारे पास प्रूफ है, तो उस चीज को हम मानते हैं क्योंकि उस चीज का प्रूफ है। साइंस की लैंग्वेज में हर एक चीज का प्रूफ चाहिए होता है बिलीव करने के लिए, नहीं तो सब बोलते हैं ना कि हम लोग कहाँ से बने, सब भगवान ने बनाया हम लोगों को, ये सब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अचानक से हम सब लोगों को अर्थ पे छोड़ दिया, ऐसे फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू इतनी सारी पॉपुलेशन बन गई। क्या साइंटिस्ट इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हम सब लोगों को भगवान ने बनाया? अलग अलग रिलीजन अलग अलग बोलता है, हिंदू लोग बोलेंगे कि उनको ब्रह्मा विष्णु इन सब ने बनाया, मॉमडन्स अलग बोलेंगे, क्रिश्चियन अलग बोलेंगे, सब अलग अलग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बट साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते उस चीज के ऊपर, नहीं करते ना साइंटिस्ट उस चीज के ऊपर बिलीव। तो क्यों नहीं बिलीव करते? बिकॉज उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हर चीज का प्रूफ देना जरूरी है, ठीक है। तो देखो साइंस की जो, साइंस का जो पूरा वर्ल्ड है, जितने भी आपके साइंटिस्ट हुए हैं, वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते। तो अब आप बोलोगे कि मैम हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि एक टाइम पे ना क्या होता था, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक डस्ट था, कॉस्मिक डस्ट का आप मान लो एक बहुत बड़ा सा स्टोन था, है ना, उस स्टोन से ही हमारी पूरी की पूरी अर्थ बन गई, है ना। तो आप बोलोगे कि मैम साइंटिस्ट थोड़े ना थे उस टाइम पे, उन्होंने देखा थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ कि कैसे हमारी, अब आप क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज आज के टाइम में ना हमारी अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीसीज हैं, हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं, हमारी ओजोन लेयर है, और इतनी सारी रेडिएशन हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है, इतनी सारी स्पीसीज इंडिविजुअल्स, ये सब आए कहाँ से, इनका ओरिजिन आखिरकार हुआ कहाँ से है, वो चीज तो हमें देखनी पड़ेगी ना। उस चीज को, अब कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको आपको यकीन करना पड़ेगा, इन द सेंस आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया इमेजिनेशन है। आपको पता फिलोसफर्स क्या होते हैं? आपने वर्ड सुना होगा फिलोसफर, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिनके नाम के आगे हम फिलोसफर यूज करते हैं। फिलोसफर सिर्फ एक कैटेगरी है, कैटेगरी क्या, हम उन लोगों को फिलोसफर्स बोलते हैं जो होते हैं ना कि आज के टाइम में कुछ बोला जाता है, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है बिकॉज हम लोगों ने दुनिया देखी है, है ना। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट होते थे पहले के टाइम में, जो मतलब रिसर्च नहीं करते थे, कोई कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या करते थे, वो सिर्फ घूमते थे, घूमने का इन द सेंस अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाले लोग होते थे। अब वो अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो वहां से थ्योरी उसको बना देते थे कि वहां पे गए उन्होंने, वहां पे ऐसा कुछ देखा होते हुए उन्होंने वही थ्योरी बना दी। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आपका एक फ्रेंड कहीं पे गया, उसने वहां पे भूत देख लिए, तो उसने आपको आके बता दिया। ऐसे ही ऐसे हमारे कुछ फिलोसफर मतलब कुछ साइंटिस्ट होते थे जो इधर उधर जाते थे, कहीं भी कहीं से नई नई कहानियां बना के लेके आ देते थे, लोगों को बता दे। पहले टाइम के जो लोग होते थे अपने माइंड का बिल्कुल यूज नहीं करते थे, बिल्कुल भी, उनको जो बोल दिया सब एक्सेप्टेड है, हर कुछ एक्सेप्टेड है। लेकिन आज के टाइम में नहीं है ना, आज के टाइम में इवोल्यूशन बच्चों को चैप्टर पढ़ाने लग जाओ, बच्चों 100 टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करते हो कि मैम ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट पहले लोग नहीं करते थे, उनको सिर्फ बोल दिया कि हाँ पूरी अर्थ। अब आप ना क्या करना, आपके घर में जो आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होगी, उनसे पूछना कि हम सब लोग बनेगा ऐसे, सब बोलेंगे भगवान ने बनाया हम लोगों को। लेकिन आप अगर उनके सामने ये चीज बोलो कि दादी आप मुझे बताना कि हम लोग भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान के पास इतना सारा प्रोटीन कहाँ से आया, भगवान के पास माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, हमारी जो इतनी सारी मसल्स है ये सारी चीजें कहाँ से आई उनके पास,
क्या उनके पास कोई फैक्ट्री है इस चीज की कि एक फैक्ट्री में माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं, एक फैक्ट्री में क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं, एक फैक्ट्री में हमारे स्किन बन रहे हैं, एक फैक्ट्री में हमारे हेयर्स का कैरेटिन प्रोटीन बन रहा है ऐसा कुछ, कि फिर भगवान जी ने उन सबको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके एक पूरा ह्यूमन बना दिया। ऐसा नहीं होता ना। अगर आप साइंस, बिकॉज आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि एक ह्यूमन कैसे बनता है। वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, जायगोट से डेवलप होता है। क्या जायगोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। क्या क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं होता। वो सारी चीजें मदर वॉम्ब के अंदर डेवलप हो रही हैं, एक सेल से ही वो सारी चीजें बन रही हैं। दो गैमेट सेल ने फ्यूज करके, सिर्फ दो सेल्स का फ्यूजन कराने हैं। देखो हम यहाँ पे, अब भगवान जी को कैसे पता कि गैमेट सेल्स का फ्यूजन होगा, मतलब कि मुझे बॉडी के अंदर डिप्लॉइड सेल्स बनानी है, हैप्लॉइड सेल्स बनानी है। तो ऐसे तो हम बोलेंगे कि कोई साइंटिस्ट, जितने नोबेल प्राइजेस है सब भगवान जी को मिलने चाहिए। होता है ना कि उन्होंने सारी चीजें बनाई है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने बना दी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं, लेकिन देर आर सो मैनी पीपल जो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप किस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे हो, किस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। हर चीज का एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रूफ दे आपको, एक्सपेरिमेंटल ना एक्सप्लेन करे बट प्रूफ दे रहा है वो आप लोगों को कि पहले टाइम में डायनासोर होते थे, हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले, तो बेटा आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि यस डायनासोर थे, है ना। तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ प्रूफ मिले। ये नहीं कि पूरी की पूरी जो ये हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे ये सब कुछ ऐसे इमेजिनरी है, पूरा इमेजिनरी नहीं है। बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो इमेजिनरी है, लेकिन बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जिसके हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। इवन साइंटिस्टों ने उन चीजों को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करने का ट्राई किया, लेकिन आपको पता है एरर्स हर जगह आते नहीं आते हर जगह एरर्स, तो वहां पे भी कुछ एरर्स हैं। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी है जिसमें कोई एरर भी नहीं है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन चैप्टर, ये पूरी स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आपने सिर्फ एक फियर बनाया हुआ है इवोल्यूशन चैप्टर को लेके कि इवोल्यूशन चैप्टर नहीं समझ में आता, तो मतलब नहीं आता है समझ में हम लोगों को। बट बेटा समझने का ट्राई करोगे तो समझ आएगा। एज अ स्टोरी आप इसको सुनो, अपने माइंड में क्यूरियोसिटी लेके आओ बस स्टार्टिंग में, कि मुझे आज जान के रहना है कि मेरा सोलर सिस्टम बना कैसे है, आखिरकार अर्थ कैसे बना है, ये मुझे जानना है। तो मतलब जानना है, फिर आप अर्थ के बारे में जान लिया, लेकिन अब इसके बाद आप लोगों बोलोगे कि मुझे जानना है कि अर्थ के ऊपर ह्यूमंस कैसे आए, अर्थ के ऊपर इतनी सारी प्लांट्स की वैरायटीज, इतनी सारी एनिमल्स की वैरायटीज कहाँ से आई, हमारी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डेवलप हुए, कैसे अर्थ में हमारे प्रोटीन, इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीजें कहाँ से आई। क्यूरियोसिटी जनरेट करो, चैप्टर को पढ़ो, सब समझ में आएगा आप लोगों को। एक मूवी देखते हो, हमेशा आपने देखा मूवी से पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, ट्रेलर में एक छोटा सा सीन वो लोग दिखा देते हैं, तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि यार ये वाला सीन आखिरकार हुआ कैसे होगा, कैसे ये वाली सीन को इन्होंने सॉर्टेड किया होगा, वो वाली स्टोरी आती है। वो ट्रेलर इसीलिए दिखाया जाता है लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए। तो ऐसे इसको समझ लो, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो अपने माइंड में एक इसकी ट्रेलर देख लो, इवोल्यूशन में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी सुन लो, आपका पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। हो गए हैं? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो आज के चैप्टर में, मतलब पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार उसको देख लो। सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है कि आखिरकार लाइफ ओरिजिन कैसी हुई है। लाइफ को ओरिजिन से पहले आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ना है, यूनिवर्स के अंदर ही लाइफ आई है तब उसके बाद आपको ये पढ़ना है। इसके बाद उस लाइफ के अंदर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुए, कैसे हम लोग चिंपांजी से होमो सैपियंस बन गए, क्या इस इवोल्यूशन का कोई एविडेंस भी है हमारे पास कि पहले हम लोग चिंपांजी के जैसे दिखते थे। अब चिंपांजी के जैसे दिखने का मतलब सिर्फ हमारी आउटर स्ट्रक्चर नहीं, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता था ना वो भी ऐसे ही होता था। आप देखोगे जो पहले टाइम के लोग होते थे ना, उनका क्रेनियल मतलब उनका जो ब्रेन है ना बहुत छोटा होता था, है ना, और उनका जो जो है आपका जो और उनका जो का आप कंपेयर करते तो उनका जो बहुत ज्यादा बड़ा होता था। क्यों होता था? क्योंकि पहले टाइम के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, ब्रेन का यूज ही नहीं करते थे, सिर्फ शिकार किया, खाना खा। अब वो खाना खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं, अपने जो बोन का यूज कर रहे हैं, तो जो बोन का वो सबसे ज्यादा डेवलप थी उन लोगों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को पहचानना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने ब्रेन का यूज करना स्टार्ट किया, और जो बोन से जो खाना खाने की जो एक्टिविटी थी उसको कम किया। उसकी वजह से क्या हुआ, फिर उनका जो बोन का साइज नॉर्मल हुआ और क्रेनियल, आप पहले देखो ना ये जो स्टार्टिंग में फोटो दिखाई हुई है ना,
ये बहुत कुछ बताती है, सिर्फ फोटो नहीं है। आप ये वाला देखो, ये पहले टाइम के लोग, पहले टाइम के लोगों में आपने देख रहा है ये जो हुआ यहाँ पे कितनी ज्यादा डेवलप, क्रेनियल देखो कितना छोटू सा है। आज के टाइम के लोग जो अभी का जो आपका मॉडर्न स्केलेटल सिस्टम है आप उसको देखोगे, उसके अंदर आपको क्रेनियल कितना बड़ा दिखेगा और आपको जो बोन बहुत छोटी सी दिखेगी, है ना। तो ये चेंजेस, दीज आर द इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इवोल्यूशन होने में, मिलियंस ऑफ ईयर आपको लगते हैं इवोल्यूशन होने में। और इवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो उसकी हो जाएगी वहीं पे डेथ। वो आपने सुना है नेचर का एक प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सेलेक्ट करती है उन लोगों को जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ नेचर उन लोगों को सिलेक्ट करती है और आगे फॉरवर्ड करा देती है, उनमें इवोल्यूशन करा देती है, लेकिन जो लोग उस नेचर सिलेक्ट में नहीं आते, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हुए, जैसे कि अगर आपने एक एग्जाम्पल देखा, अभी आप लोग 12th क्लास में आए हो जस्ट, आपको पता है 11th क्लास के कंपैरिजन में 12th क्लास में बर्डन ज्यादा है, क्योंकि 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, 12th में बोर्ड एग्जाम्स भी देना है। 11th में ऐसा कुछ नहीं था, 11th में ना तो बोर्ड एग्जाम्स है ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बच्चे ने क्या किया 11th क्लास को मजे मजे में किया पूरा। अब आपको वो 1 साल की पूरी हैबिट बनी हुई है मजे मजे में करने की। अब 12th क्लास में आप आए हो तो आपको 12th क्लास में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, नहीं करनी होगी, आपको बोर्ड्स ओरिएंटेड भी पढ़ना होगा, आप लोगों को अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कंसर्न रखना होगा। तो जो बच्चे इस चीज को समझ लेंगे कि मुझे बोर्ड के लिए भी पढ़ना है तो मुझे अपना सेल्फ स्टडी, अगर आप 11th क्लास में 3 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो बच्चों आपको 6 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा डेली, जितना 11th में कर रहे थे ना उसका डबल आपको 12th में, बिकॉज 12th में आपके ऊपर बर्डन बढ़ा है। अब उस बर्डन को आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो छोड़ देंगे, नहीं देना है हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड में भी जितना आएंगे एटलीस्ट पास तो हो ही जाएंगे, ये वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे ना, तो मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। कहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ना तो उनका बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, ना ही उनका नीट एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अब जो अपने आपको जो 12th वाला बर्डन आया है, इस बर्डन के अकॉर्डिंग अपने आपको चेंज कर लेंगे, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा लेके आएंगे। जो इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आपको नहीं करेगी, जो आपका इस नेचर है, नेचर आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप 11th वाले लेवल तक ही रह जाएंगे। तो ऐसे जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे ही नेचर सेलेक्ट करती है। इवोल्यूशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होने वाला प्रोसेस है, क्लियर यहाँ तक, ये बताओ जल्दी से। अब बच्चों पता है ये इवोल्यूशन टर्म का मतलब क्या होता है? इसको इवोल्यूशन टर्म का मतलब आप लोग ना एनसीईआरटी में जहां पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना, वहीं पे लिखो इसको, इट इज मींस टू अनफोल्ड और अनरोल हाइडन पोटेंशियलिटीज, हाइडन पोटेंशियलिटीज, जितनी भी छिपी हुई बातें हैं, सीक्रेट्स हैं हमारे अर्थ के, हमारे एग्जिस्टेंस के, वो सीक्रेट्स हमें पता लगाने हैं, उसका मतलब होता है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन टर्म आपका दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट के थ्रू, इन साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया इवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है छिपी हुई बातों का पता लगाना, छिपी हुई पोटेंशियलिटीज को अनफोल्ड करना या फिर अनरोल करना उन चीजों। ये हमें पढ़ना है कि आपका एविडेंसेस क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हो, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसे है, हेडे वैनबर्ग प्रिंसिपल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। अब स्टार्ट करें पूरा चैप्टर पढ़ना। चलो अब देखो, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बनी है उसकी हिस्ट्री को पढ़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवोल्यूशन का मतलब ये है आपके आसपास आपके प्लांट्स और फोना, फ्लोरा मींस आपके प्लांट्स और फोना मींस एनिमल्स, फ्लोरा और फोना प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो जो चेंजेस हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब अगर आप देखो मिलियंस ऑफ ईयर पहले प्लांट कैसे दिखते थे भी या नहीं थे, मिलियंस ऑफ ईयर पहले फोना आपके एनिमल्स कैसे दिखते थे, अब आज के टाइम में कैसे दिखते, तो चेंजेस स्टेप बाय स्टेप हुए हैं, कैसे वो चेंजेस हुआ है उसको समझना ही हमारा इवोल्यूशन है। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, कि जितने भी हमारे प्लेनेट्स बने, इवन हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना है। व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्टेड एंड कंजक्टेड स्टोरीज, इसके पीछे कैसे मैकेनिज्म हुआ, कैसे ये सब बना और इसके पीछे कौन कौन सी स्टोरीज है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और डाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। सिर्फ ये पैरा आपको यहाँ पे ये समझा रहा है कि आखिरकार कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है अर्थ का, कैसे यूनिवर्स बना पूरा, सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, जहाँ पे आप लोग नोट्स बनाएंगे उसमें तीन पॉइंट लिख लो बच्चों। सबसे पहले कौन से तीन पॉइंट लिखने हैं, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। पहला पॉइंट, आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आज से 20 बिलियन ईयर पहले हुआ है। 20 बिलियन ईयर एगो आपका हुआ है ओरिजिन ऑफ, पूरा ब्रह्मांड जो हमारा ये बना है वो 20 मिलियन साल पहले बना है। फिर यूनिवर्स के बाद हमारा बना अर्थ, बिकॉज हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हमें तो अर्थ पढ़ना है। अब यूनिवर्स के अंदर तो बच्चों बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज, उन गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग प्लैनेट। अभी तो हम सिर्फ अर्थ पे ही घूम रहे हैं, अभी तक हम एक ही प्लैनेट को नहीं समझ पाए, अपने अर्थ को ही नहीं समझ पाए, पूरा यूनिवर्स तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए समझना। साइंटिस्ट लोग अभी तक अर्थ, आपने देखा अलग अलग प्लैनेट्स पे, मार्स पे जा रहे हैं, मून्स पे जा रहे हैं, वहां पे सर्च करे जा रहे हैं लाइफ होती है या नहीं होती, लेकिन कोई भी अभी तक रिसर्च नहीं मिला ना प्रॉपरली, क्योंकि बेटा रिसर्च करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है। आप पहुंच भी गए मून पे, आपने देख लिया वहां पे भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, जब तक आप अर्थ पे आके उसका प्रूफ नहीं दोगे ना, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला है। तो हर चीज का साइंस में प्रूफ चाहिए ही चाहिए। चलो नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब एक चीज देखो, 20 बिलियन साल पहले, 20 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स बन गया था, और 20 से और देखो ना इसके बीच में 2 हमारा जो अर्थ बना उसके कितने साल बाद बना, कि आज से लेके हमारा 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बना था। अब अर्थ के बाद, अर्थ तो बन गया 4.5 बिलियन ईयर एगो, हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी, अर्थ बना, अर्थ के ऊपर सारी चीजें कैसे आए। अब इसके बाद आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, की अर्थ के ऊपर लाइफ कब बनी। तो जैसे ही हमारा अर्थ बन गया 4.5 बिलियन था, उसके 500 बिलियन साल बाद, जस्ट 500 बिलियन उसके बाद हमारा लाइफ वहां पे देखी गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 4 बिलियन है, तो 4 बिलियन साल पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। तो इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चन आते हैं, पता है ये जो मैं आपको पूरा थ्योरीज पढ़ाऊंगी, एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी, इसमें से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एक क्वेश्चन आपका होमोलोगस एनालोगस पे आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका एडेप्टिव रेडिएशन वाले पॉइंट पे आ जाता है। अराउंड आप मान के चलो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो अब तक की हाईएस्ट वेटेज रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन। जो थ्योरीज पढ़ाऊंगे, बिकॉज इनका कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन थ्योरीज को बस समझना जरूरी है चैप्टर को, बिकॉज कोई चीज है आपके सिलेबस में तो आपको नॉलेज देने के लिए, तो समझो उसको एज अ स्टोरी। मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाने का ट्राई करूंगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को इस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार आप लोग लेक्चर अच्छे से सुन ले तो उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो आपको फिर से चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसमें से जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, थ्योरीज पढ़ाऊंगी, एक्सपेरिमेंट, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। कौन कौन से क्वेश्चन अब तक कौन से आए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है 4.5 बिलियन एगो, ओरिजिन ऑफ लाइफ इतना साल, मीन्स टोटल 500 बिलियन After formation of Earth का formation होने के बाद 500 बिलियन साल के बाद हमारा अर्थ पे लाइफ देखी गई। क्लियर बच्चों यहां तक, बताओ क्लियर। अब इसके अंदर से भी क्वेश्चन, मतलब आगे आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी ना 2 पार्ट में देखा गया। एक तो होता है एबायोजेनेसिस, मतलब ओरिजिन लाइफ, लाइफ में मतलब ऐसी चीज है जो एसेलुलर,
इसको ना ऐसे लिखना आप, इसी ओरिजिन ऑफ लाइफ की ना मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आपको विजिबल नहीं होगा, इसी के नीचे ऐसे टेबल बनाना और लिखना नॉन सेलुलर लाइफ कब आई थी। नॉन सेलुलर लाइफ मीन जिसमें आपका सेल्स नहीं थे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर इसके बाद सेलुलर लाइफ आई, सेलुलर लाइफ आई। तो नॉन सेलुलर जो लाइफ आई थी वो आपकी आई थी 3.0 बिलियन ईयर ऐसे, अब से 3 बिलियन साल पहले, और सेलुलर उसके जस्ट 1 बिलियन साल बाद आ गई थी। अब नॉन सेलुलर लाइफ का मतलब क्या है मैम, ये भी बता दो हमें। तो नॉन सेलुलर का मतलब जैसे कि आपके प्रोटीन्स, आपके आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स, मींस ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके बनने स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले हमारे ए सेलुलर और लाइफ आई हमारी अर्थ पे, उसके बाद उन ए सेलुलर से ही हमारे सेलुलर बने, जिसको मैं आपको बाद में बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, ये थ्योरीज में बताऊंगी कि कैसे हम सब लोग एक नॉन मटेरियल मींस नॉन सेलुलर चीज से डेवलप हुए हैं, कैसे हम सब लोगों की ओरिजिन नॉन सेलुलर से हुई है, कैसे हम लोग, हम तो यूकैरियोटिक हैं लेकिन हम सब प्रोकैरियोट से डेवलप हुए हैं। पहले टाइम में हम सब प्रोकैरियोट थे, मतलब पहले प्रोकैरियोट आए उसके बाद यूकैरियोट्स आए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर सेलुलर के अंदर आपके वही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बताओ क्लियर बच्चों यहां तक सारी की सारी चीजें। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ के मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स ही बनवाऊंगी यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमें देखना है ना, क्योंकि पहले तो यूनिवर्स आया, कब आया था यूनिवर्स जल्दी से रिपीट करो, 20 बिलियन ईयर एगो। तो अब से ना हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जो 20 बिलियन ईयर एगो, अभी आप ना 2022 में नहीं है, अपने आप को मानो आप 20 बिलियन साल पहले पहुंच चुके हो, है ना। वो एक कार्टून आता है डोरेमोन, डोरेमोन के पास एक टाइम मशीन होती है, तो बच्चे सोचते हैं काश मेरे पास भी एक टाइम मशीन होती तो मैं भी क्या करते ना, मैं भी अपना जाके फ्यूचर देखते हैं, मैं भी ये इवोल्यूशन मुझे चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट 20 मिलियन साल पहले वहां पे पहुंच जाता और वहां पे देखता। लेकिन बच्चों देखना पॉसिबल थोड़े ना, क्योंकि इसको होने में इतने साल लगते हैं, क्या आपकी लाइफ है इतने साल की, नहीं है ना। तो पूरा का पूरा अगर आपको एक रिपीटिव मोड में देखना, मतलब एक फास्ट ट्रैक मोड में देखना है, तो फास्ट ट्रैक में मोड में देखने के लिए चैप्टर पढ़ लेना। लेकिन अभी बस इतना सोच लो कि आप उस डोरेमोन वाली मशीन में बैठ के आप पहुंच गए हैं 20 बिलियन साल पहले, अब आप देख रहे हैं सब कुछ एक फास्ट मोड में आपके सामने चल रहा है, आप आराम से बैठे हैं वहां पे। अभी अपने आप को इमेजिन कर लो, आप सभी ना डोरेमोन और नोबिता है, ठीक है। अब वहां पे स्टोरी सुन रहे हैं क्या, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की हमारा यूनिवर्स कैसे बना। आपको एक प्रोजेक्ट मिला स्कूल में, आप लोगों को सर्च करना है कि मुझे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे बना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को किसी ने एक्सप्लेन, मींस एक थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी, बिग इसके ऊपर एक सीरीज भी आती है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। बिग बैंग थ्योरी ने आपका पूरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है, आप वही टाइम मशीन में बैठ के पहुंच चुके हैं 20 बिलियन ईयर एगो। अब आप देख रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ, आपके सामने एक बड़ा सा गैसियस क्लाउड आया, ये आ गया मेरे सामने अचानक से। अब आप देख रहे हो कि क्या हुआ इसके अंदर, इतना बड़ा गैसियस क्लाउड कहाँ से आ गया, इसको मैंने दे दिया गैसियस क्लाउड नाम, गैसियस, ह्यूज गैसियस क्लाउड, बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड है। इसके अंदर सिर्फ क्या है, डस्ट है प्लस इनर्ट गैसेस है, ये सारी चीज है इसके अंदर। आपने देखा अचानक से आपके सामने एक बहुत बड़ा गैसेस क्लाउड है, उसके अंदर डस्ट है और इनर्ट गैसेस है, और वो ना क्लाउड ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन चल रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। अब आपको पता है कोई चीज गोल गोल घूमेगी तो उसके अंदर जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो बीच में इकट्ठे हो जाएंगे आके, तो आप देखे जा रहे हो जैसे होता है ना थंडर स्टॉर्म आता है, तो बड़ा सा थंडर आता है तो उसमें क्या होता है ना ऐसे हवा गोल गोल घूमती है, तो जितना भी उस आसपास में जो भी आपका स्टोन्स वगैरह होता है सब बीच में आ जाता है, उसकी साइड साइड में बस ऐसे एयर रहती है। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है, बीच में सारा आपका इकट्ठा हो गया क्या, सॉलिड पार्टिकल जितना वहां पे आसपास में सॉलिड, अचानक से हुआ ये प्रोसेस। 20 आप गए वहां पे, आपने अचानक से देखा कि एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड बन गया और उसके अंदर क्या है, बीच में आपका सॉलिड एंटिटी, जितनी भी सॉलिड पार्टिकल है वो सब बीच में इकट्ठे हो गए, तो बीच में बन गई एक सॉलिड एंटिटी।
और जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आपको पता है कोई चीज जैसे गोल गोल घूमती है ना, तो उसके वो हीटअप होती है, होती है नहीं होती है हीटअप। अब वो हीट मतलब गोल गोल घूमे जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन चले जा रहा है चले जा रहा है, तो सारी की सारी हीट उसके सेंटर में आ गई, वो सॉलिड एंटिटी बन गई, और जितनी इनर्ट गैसेस थी वो सब साइड में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपका चले जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इतनी चीज मुझे बताओ समझ में आया। फिर अचानक से क्या हुआ, आपके सामने देख रहा है ह्यूज क्लाउड आपका घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, अचानक से क्या हुआ, ये क्लाउड बहुत सारे क्लाउड्स में छोटे छोटे क्लाउड्स में डिवाइड हो गया। क्यों हुआ अचानक से ये क्लाउड, क्योंकि क्या हुआ, घूमे जा रहा था घूमे जा रहा था, इसका बीच का सॉलिड एंटिटी का टेम्परेचर बढ़े जा रहा था बढ़े जा रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद, ऐसा टेम्परेचर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि बर्स्ट हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा आप वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो इसका हो गया आपका एक्सप्लोजन। इस ह्यूज क्लाउड के अंदर हुआ एक्सप्लोजन। अब जैसे ही इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ये आपका छोटे छोटे क्लाउड्स के अंदर ब्रेक हो गया, बहुत सारे क्लाउड्स के अंदर ब्रेक हुआ ये ऐसे। ठीक है, अब आपने देखा जो प्रोसेस ह्यूज गैसेस बड़े वाले क्लाउड में चल रहा था ना, वही प्रोसेस इनके अंदर भी चल रहा है, इन छोटे छोटे के अंदर चल रहा है। तो मतलब इसके अंदर भी ऐसे ये घूमे जा रहा है घूमे जा रहे हैं, और बीच में सारी सॉलिड एंटिटीज इकट्ठी हो जा रहे हैं। अब एक चीज आप मुझे बताओ, जितना टेम्परेचर इसका था ह्यूज बड़े वाले का था, वो टेम्परेचर अब इन सब में डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एज कम्पेयर टू बिगर वन, स्मॉलर वन का टेम्परेचर कम होगा नहीं होगा। तो जब ये बड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो टेम्परेचर केम डाउन, तो इसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर अब हमारा डाउन चला गया इसके अंदर। अब टेम्परेचर डाउन हुआ, अब ये जो छोटे छोटे क्लाउड्स बने इनको हम बोलते हैं नेब्यूला, दीज आर नोन एज नेब्यूला। और ये क्या हो जा रहा है, रोटेट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, अब रोटेट करते करते टेम्परेचर तो होगा ही होगा इनका, अब इनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू बिगर वन। अब जैसे ही बच्चों टेम्परेचर कम हुआ, अब टेम्परेचर कम होने के बाद क्या होगा, इसी एक नेबुला ने मिलके एक पूरा का पूरा क्या बना लिया, गैलेक्सी। मतलब एक नेबुला, एक पूरा ह्यूज गैसियस क्लाउड तो क्या है आपका, पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना। अब उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज हैं नहीं है, देखो ये पूरा यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर मैक्सिमम बहुत सारी गैलेक्सी। अच्छा हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं वो बताए आपको, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, या फिर आकाश गंगा भी इसको बोलते हैं, हम इस गैलेक्सी के अंदर है। और बच्चों ऐसी ऐसी गैलेक्सीज ना बहुत सारी हैं, क्यों है बहुत सारी, क्योंकि जब हमारा ये इतना बड़ा सा ह्यूज क्लाउड है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई थी हमारी। अब उन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर हम रह रहे हैं, और बच्चों एक गैलेक्सी के अंदर भी ना बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, तो ये वाली हमारी गैलेक्सी है, दिस वन, इसको चलो मैंने ऐसे स्टार मार्क कर दिया, ये हमारी गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी के अंदर क्या हुआ, ये वाला जो आपका है ना अंदर वाली सॉलिड एंड, मतलब ये वाला गैलेक्सी भी और बहुत सारे के अंदर डिवाइड हो गया, ये मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसने क्या बना लिए, हमारी गैलेक्सी ने बना लिए बहुत सारे प्लेनेट्स, क्योंकि इसके भी ये भी घूमे जा रहा है रोटेट हुए जा रहा है, रोटेट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सप्लोजन होगा उसके अंदर, होगा नहीं, एक्सप्लोजन हुआ फिर हमारी वाली गैलेक्सी भी टूट गई। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट, टोटल कितने प्लैनेट होते हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारी गैलेक्सी में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से प्लैनेट है इसका आंसर ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सब बच्चे कमेंट सेक्शन में अभी गूगल सर्च करो, नहीं आपको पता है तो देखो गूगल सर्च करो, पता है तो कमेंट सेक्शन में, सब बच्चों का मुझे आंसर चाहिएगा कि टोटल कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं और किस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं। तो सबको पता है अर्थ के ऊपर रहता है, अर्थ इज ऑल्सो ए प्लैनेट। तो अब ये बहुत सारी हमारी जो एक मिल्की वे गैलेक्सी है बहुत सारे प्लैनेट्स में डिवाइड हो गई, ये मेरा एक प्लैनेट है अर्थ। ऐसे ही जो एक प्लैनेट जो सेंटर में होगा, जो सेंटर वाली सॉलिड एंटिटी थी ना, ये सॉलिड एंटिटी वाले ने मिलके क्या बना लिया, हमारा सन बना लिया। जो हमें पता है सन का टेम्परेचर इतना हाई क्यों होता है, इसीलिए तो होता है सन का टेम्परेचर। सन आपने देखा सन सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं तो बेटा इसी वजह से तो है, क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर में क्या होता है, हैवी पार्टिकल रहते हैं, तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे सेंटर में इकट्ठे हो गए, और साइड साइड में हमारा क्या चले जा रहा है,
साइड साइड में प्लैनेट्स घूम रहे हैं हमारे, 9 प्लैनेट के नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। बताओ यहां तक क्लियर हुआ, सन कैसे बना हमारा? सेंट्रल पार्ट में हमारा सन बना, जो कि एक ब्राइटर प्लैनेट है सबसे ज्यादा। उसके अंदर जो जितना ये घूमते घूमते ग्रेविटेशनल एनर्जी थी वो सारी हीट में कन्वर्ट हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, जिसकी वजह से हमारा इतना हॉट सन बन गया। क्लियर? अब हमें इस एक अर्थ के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार इस एक अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, कैसे इस अर्थ के अंदर सारी चीजें बनी, कैसे हमारी अर्थ पूरी की पूरी डेवलप हुई। चलो अब देखते हैं कि हमारे अर्ली अर्थ कैसी थी। देखो अब मैं आपको बता रही हूं अर्ली अर्थ के बारे में। अभी वही स्टोरी ध्यान रखनी है, एक बहुत बड़ा ह्यूज गैसेस क्लाउड था, वो रोटेशन किया जा रहा था, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा था। अब एक टाइम ऐसा है उसके सेंटर में सारी सॉलिड एंटिटीज आ गई, साइड साइड में लाइटर पार्टिकल्स आ गए। अब वो सेंटर में इतनी ज्यादा हीट बनी जा रही है कि उसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे नेबुला हम जिसको बोल रहे हैं। अब वो नेबुला के अंदर भी सेम प्रोसेस ग्रेविटेशनल फोर्स चले जा रहा है, फिर वो भी डिवाइड हो गए। अब एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए। अब उन प्लैनेट में से एक प्लैनेट तो हमारा बेचारा बन गया सन, जो सेंटर में था, जो बिल्कुल सेंटर वाला था, उसके अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो हमारा सन बन गया। उसके चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब हम सिर्फ अर्थ को पिक कर रहे हैं, ये मेरा एक अर्थ, सेम जैसे उनके अंदर था ऐसे भी हमारा अर्थ के सेंटर में क्या है, सॉलिड एंटिटीज है, और साइड साइड में हमारा नॉर्मल मतलब लाइटर पार्टिकल। अब देखो अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ भी हमारा रिवॉल्व करे जा रहा है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है तो उसका भी टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। अर्थ टेम्परेचर राइजेस, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है। अब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके इंटरनल प्रेशर की वजह से, ड्यू टू इट्स इंटरनल प्रेशर, ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर जनरेट हो रहा है, एंड हीटिंग, इसके अंदर फिर से क्या होने लग जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शंस होने लग जाएंगे। जो इसके सेंटर वाला पार्ट है, इसके सेंटर वाले पार्ट में वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो इसके सेंटर में सॉलिड पार्टिकल्स थे ना, उनका मेल्टिंग होने लग जाएगा, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स या फिर हैवी पार्टिकल्स, ये सब मेल्ट होने लग जाएंगे। और पता है ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या आते हैं हमारे अर्थ के पास, लाइक योर आयरन, निकल, ये सब। अब इन्होंने सॉलिड पार्टिकल ने, बिकॉज सेंटर में सॉलिड पार्टिकल, उसका टेम्परेचर बढ़े जा रहा है जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करे जा रही है। अब रिवॉल्व करते जा रही है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब रिवॉल्व कर रही है वो, तो रिवॉल्व करने की वजह से जितने सॉलिड पार्टिकल थे वो सब मेल्ट होने लग रहे हैं। अब उन्हीं मेल्ट होने की वजह से हमारा जो अर्थ है, आपने सुना होगा अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मोल्टन कोर, बोलते हैं मोल्टन कोर। अब ये तो हमारा सेंटर बन गया मोल्टन कोर। अब जो लाइट पार्टिकल्स है आपके, जो सरफेस पे हैं, लाइट पार्टिकल्स एरोज टू द सरफेस, वो सब सरफेस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे क्या बन जाएगा, सरफेस क्रस्ट बन जाएगा। जो अर्थ की इतनी सारी लेयर्स हैं, वो सारी लेयर्स किससे बनी है, लाइट पार्टिकल से बनी है। अब आपको समझ में आया अर्थ का सेंट्रल पार्ट मोल्टन कोर कैसे बना, क्योंकि वहां पे सॉलिड पार्टिकल थे, उनका मेल्ट हो गया, टेम्परेचर था इसकी वजह से, और साइड साइड में लाइट पार्टिकल्स आ गए क्योंकि रोटेशन करे जा रहा है, उसकी वजह से वो हमारी इतनी सारी लेयर्स बन गई। तो हैवी पार्टिकल्स ने तो हमारा अर्थ का कोर वाला पार्ट बना दिया, लाइट पार्टिकल ने हमारा सरफेस। अब एक और पार्ट हमने सुना है मेंटल, आपके जो सेंटर वाला पार्ट है और जो सरफेस वाला पार्ट है, इसके जो बीच वाला पार्ट होता है ना अर्थ का, उसको हम बोलते हैं मेंटल। अब मेंटल किस चीज से बना होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। तो अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर मेंटल कोर, सबसे आउटर सरफेस क्रस्ट, एंड द मिडिल वन इज मेंटल। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं। अब इसके अलावा जो हमारी अर्थ के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अर्थ, तो ये सारी चीजें ना मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो, अपनी ज्योग्राफी को समझने के बारे में भी, अपनी
चीजों के बारे में, जब हम अर्थ पे रह रहे हैं हमें अर्थ के बारे में तो पता होना चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़े जा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े जा रहे हैं, बायोटेक पढ़े जा रहे हैं, पर जिसके ऊपर आप रहते हो उसके बारे में पढ़ो। अर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाला पार्ट है कोर, उस कोर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बैरिस्फेयर, बैरियोस्फेयर। जो मिडिल वन पार्ट होता है आपका मेंटल, अब आपने कोर मेंटल वर्ड ना सुने होंगे, ये तो आपने सुना ही होगा, बैरियोस्फेयर या फिर पायरोस्फेयर, ये वर्ड आपने पक्का से सुने होंगे, सुने सबने। फिर इसके बाद आता है आपका क्रस्ट वाला पार्ट, मतलब लेयर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये ऐसे हमारे अर्थ के तीन अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में? जो सबसे आउटर आपका कौन सा क्रस्ट, इसको तो बोलते हैं लिथो, और जो सेंटर में आपका कोर, इसको बोलते हैं हम बैरियो स्फेयर, और बीच में बच गया मेंटल, इसको बोलते हैं पायरो। एज सिंपल एज दैट। आया बच्चों समझ में? तो अब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले। तो हमने ऐसे अर्थ का फॉर्मेशन समझ लिया कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले पूरा हुईज क्लाउड था हमारा, वो ब्रेक हुआ, उससे गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज से फिर हमारे अलग अलग प्लैनेट बने, फिर प्लैनेट से एक हमारा पूरा अर्थ बन गया। तो देखो यूनिवर्स बना था 20 बिलियन साल पहले, अर्थ बना 4.5। अर्थ समझ लिया पूरा। अब अर्थ के ऊपर हमें क्या लेके आना है? अब अर्थ के ऊपर हमें लाइफ लेके आनी है। तो देखते हैं लाइफ कैसे आती है, लाइफ को ओरिजिनेट कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, our next topic is conditions for the origin of life. origin of life के लिए, life को originate कराने के लिए कौन कौन सी conditions होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, हमारा जो पहले time का, मतलब जैसी earth बनी जस्ट उसके, क्योंकि आप लोग टाइम मशीन में पहुंच के ना, डोरेमोन वाली टाइम मशीन में बैठ के वहां पे बैठ के अर्थ आपने समझ लिया कैसे अर्थ बन रही है। अब उस अर्थ के ऊपर कैसे लाइफ बन रही है वो आप देख रहे हो। अब आपने देखा कि मेरी अर्थ तो बन गई, ये सपोज ये मेरी अर्थ है, बिल्कुल खाली है, कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारा बैठा है डोरेमोन, और चलो डोरेमोन को थोड़ा सा मोटू बना देते हैं, ये हमारा नोबिता बैठा। अब ये इसको देखे जा रहे हैं, ये इसको देखे जा रहे हैं, दोनों इसको ना बहुत अच्छे से देखे जा रहे हैं कि चलो देखते हैं आखिरकार लाइफ कैसे बनी इसके ऊपर। फिर इन्होंने क्या देखा इसके अंदर कि जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर तो कोई गैस ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं है उसके ऊपर। तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ये तो प्राइमरी एटमोसफेयर है हमारा, मतलब पहले टाइम का एटमोसफेयर। प्राइमरी एटमोसफेयर आपका क्या था? प्राइमरी एटमोसफेयर विद नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। अब नोबिता के माइंड में बात आई, ओह यार यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है तो लोग सरवाइव ही कैसे करते, इससे थे ही नहीं यहाँ पे लोग, कोई जिंदगी नहीं था यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, और ऑक्सीजन है भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में, लिटिल ऑक्सीजन, ठीक है। तो और जो प्राइमरी एटमोसफेयर है ना वो रिड्यूसिंग नेचर का है। अब क्यों बोला इन्होंने कि वो रिड्यूसिंग एटमोसफेयर है? अब वो रिड्यूसिंग एटमोसफेयर उन्होंने ऐसे बोला क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पे कुछ और है। हम जैसे ही हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद उन्होंने देखा वहां पे हाइड्रोजन है बहुत सारी, वहां पे कुछ कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, धीरे धीरे उन्होंने देखा वहां पे NH3 भी प्रेजेंट है, आपका CH4 भी प्रेजेंट है, और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अब क्या ये सारी गैसेस सफिशियंट है हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ को ओरिजिनेट कराने के लिए? सफिशियंट है नहीं, चलो देख लेते हैं। फिर इसके साथ साथ इन्होंने देखा कि अर्थ के ऊपर यूवी रेज भी आ रही है, क्योंकि हमारा सन बन चुका है, अब सन से यूवी रेज आने लग रही है। अब जैसे ही सन से यूवी रेज आने लग रही है, वो सन जैसे ही सन की यूवी रेज हमारे H2O के ऊपर आई, तो प्रोसेस दिख रहा है एग्जैक्टली कि H2O आपका ब्रेक हो जा रहा है 2H2 में प्लस O2 के अंदर। फिर ये O2 क्या, आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल रही है, फिर ऑक्सीजन लिटिल ऑक्सीजन बहुत कम, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जैसे निकल रही है ना फ्री फॉर्म में नहीं, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट कर दे रही है हमारे NH3 के साथ और बना दे रही है 2N2 + 6H2। फिर अब ऑक्सीजन और जो बची वो किसके साथ, हमारा बचा रहा CH4 मिथेन, CH4 मिथेन के साथ रिएक्ट कर लिया, CO2 बन गया प्लस 2H2 बन गया। ऐसे ही रिएक्शन चले जाते, ज्यादा साइडवेज रिएक्शन, साइड रिएक्शंस ये हमारी
चले जा रही है प्रोसेस में, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर। अब आप सोचोगे किसके पीछे रीजन क्या है, रिड्यूसिंग क्या, बिकॉज रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होते हैं ना हमेशा वो एनाबॉलिज्म दिखाती है, एनाबॉलिज्म वाले प्रोसेस कराती है, किसी चीज को फॉर्मेशन कराती है। ऑक्सीडेशन हमेशा ब्रेक कराता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हमेशा ब्रेक डाउन होता है। तो हमें तो उस अर्थ के ऊपर बहुत सारी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कराना है ना, तो फॉर्मेशन कराने के लिए रिड्यूसिंग एटमोसफेयर जरूरी है। अगर उस टाइम पे प्राइमरी एटमोसफेयर में रिड्यूसिंग एटमोसफेयर नहीं जनरेट हुआ होता ना, तो आज के टाइम में हम लोगों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला था, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाता, कोई भी मॉलिक्यूल बनता ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करा के उसको ब्रेक करा देती, कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनते ही नहीं। कहाँ से प्रोटीन, कहाँ से पॉलीसेक्राइड, कहाँ से डीएनए, कहाँ से आरएनए, कहाँ से ये सारी चीजें बनती, नहीं पॉसिबल थी ये सब। इसलिए रिड्यूसिंग एटमोसफेयर होना बहुत जरूरी था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ये प्रोसेस चलने लगे, ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल, धीरे धीरे एक्सपेल्ड आउट होने लगा बाहर, तो प्राइमरी एटमोसफेयर आपका कन्वर्ट होने लगा सेकेंडरी एटमोसफेयर में, सेकेंडरी एटमोसफेयर में कन्वर्ट होने लगा। अब सेकेंडरी एटमोसफेयर में हमने देखा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, वहां पे हमारा रिड्यूसिंग था, यहाँ पे माइल्डली रिड्यूसिंग हो गया, माइल्डली रिड्यूसिंग आपका हो गया। अब माइल्डली रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन कम हो गई, उसकी कंपैरिजन में कुछ वाटर वेपर्स आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस आ गई। फिर क्या हुआ हमारा यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन थी कम अमाउंट में, उस ऑक्सीजन ने किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बनाना स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बच्चों, जैसे ओजोन बना यूवी रेज का आना कम हो गया, वाटर आपका स्प्लिट नहीं होगा। अब वाटर स्प्लिट नहीं होगा तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपकी रहेगी वहां पे। जैसे ही ओजोन बना आपका अर्थ का टेम्परेचर भी, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्टली आपकी अर्थ पे आ रही थी तो टेम्परेचर बहुत हाई था। अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगा, आपके जो वाटर वेपर है, क्यों है वाटर वेपर की, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, H2O का मतलब लिक्विड नहीं है बेटा, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइमरी एटमोसफेयर में टेम्परेचर बहुत हाई है, सीरियसली बहुत ज्यादा हाई है, तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता, वेपर्स की फॉर्म में रहेगा। अब धीरे धीरे जैसे ओजोन बनी टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ वाटर वेपर आपका क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे, कंडेंस हो गए किस में कन्वर्ट हुए, इनटू ड्रॉपलेट्स, ये आपके ड्रॉपलेट्स बनाने लगे। अब ये ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे केम डाउन एज अ रेन। अब जितने आपके अर्थ के ऊपर गड्ढे थे, जितनी बड़ी बड़ी जगह थी, हर जगह वाटर फिल हो गया, जितने भी, इसी वजह से आपके रिवर, लेक्स और सी बन गए। ये बताओ कैसे आपकी अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज आई, वो समझ में, क्योंकि वाटर बॉडीज ही आगे जाके ना ह्यूमंस का फॉर्मेशन कराएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉडीज ह्यूमंस फॉर्म होंगे, ये समझना है आपको। देखो फिर से मैं रिकैप करा रही हूँ आपको, क्या हुआ अर्थ का फॉर्मेशन तक हमने क्लियर कर लिया। अर्थ पे देखा धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइमरी एटमोसफेयर जनरेट हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है, NH3, CH4 है, CO2 है, ये सारी गैसेस है, मतलब रिड्यूसिंग एटमोसफेयर। रिड्यूसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कराता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराता है, ब्रेक डाउन कराता है। फिर धीरे धीरे उनके बीच में साइड रिएक्शन चलने लगी, आपका रिड्यूसिंग से माइल्डली रिड्यूसिंग होने लगा। अब माइल्डली रिड्यूसिंग हुआ तो उसकी वजह से हमारा ओजोन भी बनने लग गया साइड बाय साइड, ओजोन बनने लगा, तो ओजोन बनने से क्या हुआ, आपकी यूवी रेज नहीं आ पाई अर्थ पे, तो आपका अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ वाटर वेपर्स कंडेंस होने लगे, और वो वाटर की रेन की तरह आपके रिवर, लेक और सीज फिल हो गए। क्लियर यहां तक, ये चीजें क्लियर हैं या नहीं? अब चलो यहां तक आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि इन वाटर बॉडीज से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ गया अब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ना अर्थ के फॉर्मेशन और लाइफ के फॉर्मेशन में 500 बिलियन साल हैं, तो बच्चों ये सारी कहानी ना 500 बिलियन तक पढ़नी है हमें, कि आखिरकार 500 बिलियन तक क्या हुआ अर्थ पे, कि 500 बिलियन लग गए लाइफ बनने में, क्या हुआ ऐसा वहां पे, वो पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़नी है थ्योरीज
ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई। यहां तक तो चलो सारी चीजें क्लियर हमने देख लिया, अब थ्योरीज की लाइफ कैसे बनी, लाइफ के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं बायो पॉइसिस। बायो पॉइसिस वर्ड है जो आपको बताता है लाइफ प्रोडक्शन। अब इस थ्योरीज को पढ़ने से पहले ना एनसीईआरटी रीड कर लेता है। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, देखो, व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। अब ये लाइन बहुत कुछ बताती है बच्चों। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझते हैं। देखो ऐसे करो, आप ना इवनिंग टाइम में, रात के टाइम में छत पे बैठे हो, है ना, आप स्टार्स को देखते हो, तो आप मुझे बताओ स्टार्स की जो आपको लाइट दिखती है, आप क्या ये सोचते हो कि वो स्टार्स अभी चमक रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, मैं रूम में बैठी हूँ, मैंने रूम की लाइट ऑन की, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया मुझे सेम टाइम पे लाइट दिख गई। क्या स्टार्स ने भी अपनी लाइट का स्विच ऑन किया और आपको एकदम लाइट दिख गई? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको स्टार्स की आज लाइट दिख रही है ना, तो बेटा वो लाइट का जो स्विच ऑन किया ना उन्होंने, उन्होंने बहुत साल पहले दिया था, मिलियंस ईयर पहले उन्होंने स्विच ऑन किया। अब एक सोच लो, आपने स्विच रूम की लाइट का स्विच ऑन आज कर दिया, देखो आराम से अच्छे से सुनना, एकदम साइलेंट माइंड से, आपने स्विच ऑन किया अपने रूम की लाइट का, तो क्या ऐसा होता है कि आपने आज स्विच ऑन करके देख छोड़ दिया और फिर कल आप सुबह रूम आए तब आपको लाइट ऑन दिखी? नहीं होता ना, सेम टाइम पे इंस्टेंट प्रोसेस है वो तो। लेकिन जो स्टार वाला प्रोसेस है ना, वो ये प्रोसेस है कि आपने आज स्विच ऑन किया, आपको 100 साल बाद वो लाइट ऑन दिखेगी, ये वाला प्रोसेस है। तो आज आपको जो लाइट का, जो स्टार्स की वो लाइट दिख रही है ना, तो इसका मतलब वो स्टार्स ने जो अपनी लाइट है ना, वो लाइट को 1 साल पहले, एक नहीं मिलियंस ऑफ ईयर पहले लाइट एमिट की होगी जो आज आपको दिखाई दे रही है। मीन्स वो मिलियंस ऑफ साल पहले, अब आपको पता है आपकी और स्टार्स के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लाइट ईयर में मीजर करते हैं, एज यू कैन सी हियर, या स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं, आपकी और स्टार्स के जो बीच के डिस्टेंस होते हैं उसको स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं, उसको लाइट ईयर में। अब लाइट ईयर में मतलब आपकी जो स्टार्स से आ रही है लाइट है, उसको लाइट से आप तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, उसकी जो जर्नी है वो मिलियंस ऑफ ईयर की है। अब इसका मतलब जो स्टार ने वो लाइट दी, वो मिलियंस ऑफ साल पहले वो लाइट उसने एमिट की होगी जो आपको आज नजर आ रही है, मिलियंस ऑफ साल पहले। अब देखो मिलियंस ऑफ साल पहले कितने सारे स्टार्स लाइट, अब जो स्टार्स आज लाइट एमिट कर रहे होंगे ना, वो वाली लाइट जो मिलियंस ऑफ ईयर बाद हमारी और जनरेशन एंसेस्टर्स, हमारी जनरेशन आएंगी मिलियंस ऑफ साल में, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे उस टाइम पे, तो बहुत जन आ जाएगा स्पीसीज, तो तब उनको दिखाई देगी जो आज वो एमिट कर रहे होंगे। हमें कौन सी दिखाई दे रही है जो मिलियंस ऑफ साल पहले स्टार्स ने लाइट एमिट की, ये समझ में आया? अब फिर से पढ़ो, व्हेन वी लुक एट स्टार, जब हम स्टार को देखते क्लियर नाइट स्काई में, वी आर इन अ वे, हम एक इस वे में होते लुकिंग बैक इन टाइम, जो हम पहले जो चीज हो चुकी है उसको अब देख रहे हैं, क्योंकि स्टेलर डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, उन्होंने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगा दिए हैं। व्हेन वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट, हम जो आज देख रहे हैं वो स्टार देख रहे हैं, और जो उसका एमिशन है, हुज एमिटेड लाइट, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी मिलियंस ऑफ ईयर पहले, जो आज हमारे तक पहुंच रही है, एंड फ्रॉम टिल ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आर आईज नाउ, बहुत ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से हमसे वो स्टार, अब उनको स्टार्स को लाइट को यहाँ तक आने में तो बेटा मिलियंस ऑफ ईयर तो लगेंगे ही ना, ट्रिलियंस ऑफ दूर है, मिलियंस ऑफ ईयर तो आने में लगेंगे। हाउ एवर वेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आर इमीडिएट सराउंडिंग, वी सी दैम इंस्टेंटली, लेकिन जो हमारा क्यों है अच्छा वो वाला डिस्टेंस, क्योंकि हम एक नॉर्मल एटमोसफेयर में, वो स्टार्स हमारे वैक्यूम में है, यहाँ से वैक्यूम में लाइट को बहुत, लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है वैक्यूम के अंदर, लेकिन अगर हमारे एटमोसफेयर में कोई चेंजेस हो रहे हैं हम उनको इंस्टेंटली देख लेते हैं, क्योंकि वहां का और हमारे यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम होता है। हैंस इन द प्रेजेंट टाइम देयरफॉर वी सी स्टार्स, वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन टू द पास्ट, अगर हम स्टार्स को देख रहे हैं हम पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की चीजों को आज भी फील कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट, लाइफ का ओरिजिन होना एक यूनिक इवेंट है यूनिवर्स की हिस्ट्री में, सो द यूनिवर्स इज वास्ट, बहुत वेस्ट है आपका यूनिवर्स, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली, मतलब जो अर्थ है ना उस इतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा पॉइंट है बस, आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया छोटा सा, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके जैसा है अर्थ, हम इस छोटे से पॉइंट वाले पार्ट पे रह रहे हैं और इसी के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है,
कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या है, कुछ नहीं पता है हम लोगों को, बहुत कम पता है हम लोगों को ये चीज़। सो द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स बेटा बहुत पुराना है, 20 बिलियन साल पहले। अब जो मैंने अभी आपको वो स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी को एनसीईआरटी से देखते हैं। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा क्लस्टर ने आपका पूरा यूनिवर्स बनाया था, वो पूरा जो ह्यूज क्लाउड था ना वो यूनिवर्स था। अब गैलेक्सीज के अंदर हमारे स्टार्स आते हैं, ग्लास क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के साइज को देख के अर्थ को तो हम एक डॉट मानते हैं बस। अर्थ इज इनडीड अ स्पीक। बिग बैंग थ्योरी ने अटेम्प्ट किया टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ने हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझाया। इट टॉक्स, ये क्या बताती है, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, बेटा अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में। एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था उस बड़े से क्लाउड के अंदर, उसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया, मतलब वो ह्यूज क्लाउड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, अब उसके साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम ये सारी गैसेस वहाँ पे लेटर आने लग गई, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट कि उसका जो सरफेस है वहाँ पे क्या है, डस्ट प्लस इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस आ रही हो हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन की फॉर्म में, वो गैसेस कंडेंस हुई एंड उन्होंने गैलेक्सीज बना लिया प्रेजेंट डे यूनिवर्स का। इन द सोलर सिस्टम हमारा अर्थ क्या, मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा। अर्थ वॉज सपोज टू हैव फॉर्म 4.5 बिलियन पहले हमारा अर्थ बना था। There were no atmosphere. पहले अगर अर्थ पे कोई एटमोसफेयर नहीं हुआ था, फिर धीरे धीरे प्राइमरी एटमोसफेयर आया, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुए हमारे मोल्टन मास से, जिन्होंने पूरे सरफेस को कवर कर लिया, प्राइमरी एटमोसफेयर वाला जो अभी बताया था। फिर यूवी रेज आई, उन्होंने क्या किया, हमारे वाटर को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और जो लाइटर हाइड्रोजन थी वो एस्केप हो गई, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग से माइंडली रिड्यूसिंग एटमोसफेयर होने लगा था। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया, ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइन किया, मीथेन के साथ वाटर बना लिया, CO2 बना लिया, बहुत सारे। फिर वही वाटर किसकी फॉर्म में था, पहले वेपर्स की, फिर धीरे टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी वजह से वो रेन के थ्रू आपका वाटर बॉडीज बन गई, ओजोन लेयर भी बनी। जैसे जैसे कूल डाउन हुआ, वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियन। तो इसका मतलब लाइफ 500 बिलियन साल बाद दिखाई दी अर्थ के बनने के बाद, ऑलमोस्ट 4 बिलियन। ये तीन पॉइंट मैंने आपको दिखाए थे, देखो तीनों पॉइंट आपके वो लिखे हुए हैं। अब ये वाला जो एनसीईआरटी है ये हम पढ़ेंगे आपका कब, जब मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगी, थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि आखिरकार हमारी लाइफ बनी कैसे है। अब इसके पीछे देखो एक स्टोरी मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे छोड़ा पॉइंट ये वाला कि बच्चों रिवर बॉडीज बन गई ऐसे। अब क्या हुआ, एक फिलोसोफर की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी ना स्टार्टिंग में लेक्चर के, फिलोसोफर घूमते रहते थे वो लोग। एक फिलोसोफर ले लिया, मैंने नाम ले लिया उसको, कुछ भी ले लो, रोहन ले लिया नाम मैंने, रोहन नाम का एक फिलोसोफर था, वो कहीं पे घूमने के लिए गया। वो क्या बैठा था इवनिंग के टाइम में, समुद्र के किनारे जाके बैठ जाते ना, या किसी बीच या इस टाइप में वहां पे जाके वो बैठ गया आराम से, और वो बैठे बैठे वहीं पे सो गया, आराम से बैठा था सो गया। अब सो के उठने के बाद उसने कुछ देखा वहां पे, उसने उस जो वाटर बॉडी थी उसके पास, लेक था बीच था जो भी था, उसने देखा वहां पे कुछ देखा। अब क्या देखा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। रोहन फिलोसोफर है, इसने कुछ चेंजेस देखे जहां से पता लगा कि हाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, कहीं ना कहीं से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। वो ओरिजिन ऑफ लाइफ ना ये वाली, ये स्टोरी यहाँ तक सब लोगों को बता दिया था, कहानी सब लोगों के माइंड में यहाँ तक चली गई। अब आप लोगों को सोचना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ होगा। अब यहाँ से आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर को ना, जो आप ये लेक्चर सुनोगे, इस लेक्चर को सारी बुक्स बंद करके तब सुनना, फिर उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करना आपने। पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 10 से 15 मिनट में लेक्चर दिया है ना, वो बहुत जरूरी है। पूरा नहीं तो ना आप एक दो लेक्चर देखोगे छोड़ दोगे, लेक्चर नहीं सुनने वाले, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, फिर वहीं पहुंच जाओगे कि मैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूंगा, या मैं याद कर लूंगी होमोलोगस ऑर्गन एडेप्टेड रेडिएशन या हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी। ऐसा नहीं करना है, चैप्टर सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप फ्लो के साथ पढ़ो बस इसको। जैसे मैं पढ़ाई, आज का लेक्चर मैंने अपलोड कर दूंगी मैं आपका, तो आज का लेक्चर आज ही फिनिश करो। जो भी डाउट्स है आस्क मी इन द टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम चैनल पे फुल अथॉरिटी, आप वहाँ पे एनी टाइम मैसेज करो,
जब भी मैं फ्री होंगी मैं आप लोगों का रिप्लाई 101% देती हूँ। इवन मैं ट्राई करती हूँ हर एक बच्चे का वहां पर रिप्लाई देने का, बट बाय चांस किसी किसी का स्किप भी हो जाता है। फिर भी आप लोग अपने डाउट पूछो, वहां पे नहीं आप डाउट ज्वाइन हो आप यहीं पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालो, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर करूंगी। और इवन अगर मैसेज के थ्रू वो चीज आप लोगों तक नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको रिकॉर्ड करूंगी कल, तो उस लेक्चर में आप मैं आप लोगों का सोल्यूशन डाल दूंगी। बट बेटा आपको करना पड़ेगा, ये थ्योरीज में पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इस चैप्टर के पहले टॉपिक करेंगे, फिर क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आई वॉन्ट कि आपको ये चैप्टर एक बार ही ऐसा पढ़ लो, आपको फिर इस चैप्टर में कभी प्रॉब्लम ना आए, हमेशा आपको याद रहे। इवन बहुत सारी नई नई चीज आप लोगों को सीखने को मिले, आपको लाइफ को देखने के वे चेंज हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, दैट आई वॉन्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है कम्प्लीटली, लेक्चर को देखो, कोई भी प्रॉब्लम है आपसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशन पार्ट टू। तब तक के लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है सबको चैनल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन रखनी है एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक टीचर्स के लिए मोटिवेशन होता है। आप लोगों ने देखा बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो वीडियोज अपलोड नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन नहीं होता। एक मोटिवेशन टीचर के अंदर एनर्जी जनरेट करता है, तो मोटिवेशन आप लोग दोगे ना तो टीचर्स आप लोगों की हर एक वे में हेल्प करेंगे। आप 100% आप फीडबैक दोगे तो टीचर्स 200% अपने एफर्ट्स लगाएंगे आपको कोई भी टॉपिक समझाने के लिए। तो जितना वे जिस वे में मैंने आपको टॉपिक समझाया है, अगर आप चाहते हैं सेकेंड टॉपिक भी सेम ही वे में समझना सेम ही एनर्जी के साथ, सो प्लीज अपना फीडबैक आप लोग दीजिएगा। थैंक यू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।